यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये पहाड़ी रास्तों पे गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है। ये रास्ते हैं बहुत ख़तरनाक, यहाँ पे थोड़ा आधा कच्चा भी है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ पे रास्ता बनाया ही नहीं हमारे घर का। मुख्यमंत्री जी हो चाहे कोई, विधायक जी हो चाहे कोई भी हो, दोस्तों आजकल की जो जनरेशन है आप देख सकते हैं किस लेवल पर चले गई है, कि हस्बैंड जी को सर पे कट्टा उठाना पड़ रहा है। और ये स्पेशली क्या है, ये झंगोरा, और आज मैं खाऊंगा झंगोरे की खीर। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज बेसिकली हम जाने वाले हैं मार्केट में थोड़ा। ये पहाड़न जी है, अब इनका नाम पहाड़न क्यों है क्योंकि भाई ये उत्तराखंड के पहाड़ों में रहती है। और मेरा नाम पहाड़ी क्यों है क्योंकि मेरी ये मातृभूमि है, यहीं पर मैंने जन्म लिया है, तो मैं इसलिए पहाड़ी हूँ। अब इसके अलावा मेरा रियल नाम है गौरव और इनका रियल नाम है अनुपा। सो चलिए लेके चलते हैं आपको। आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। लग क्या रहा है, हमेशा का दिन जैसा कटता है वैसा आज का भी कट रहा है। बस क्या नहीं, आज स्पेशल होगा आपके लिए ना? नहीं स्पेशल पे नहीं है, पर ठीक है, जा रहे हैं मार्केट, जा रहे हैं, क्या करें, हमेशा तो जाते नहीं। अब गाइस ये मार्केट क्यों जा रही है पता है? इसको मेकअप करना है, पता नहीं क्या करना है इसको, मतलब ब्यूटी पार्लर में जाना है इसको। तो क्या आपकी वाइफ भी ब्यूटी पार्लर जाती है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और माता जी देखिए यहाँ से देख रहे हैं, आज करवाओ ड्यूटी पार्लर क्या मेरे लिए जिंदगी हराम कर लगे। हम ना ड्यूटी पार्लर देखिए, मैं ना किसी पार्लर देखिए सुनिया ना पहले क्या मतलब चेहरा भी खूब अब वो चेहरा चेहरा साफ का ना तो भू रंग बेकार रंग फिर बेकार सुन ले। ये बात तो बिल्कुल हम ना कहे क्रीम लाए ना पाउडर लाए सुन ले। ये बात एकदम करेक्ट कही आपने, क्रीम लाए ना पाउडर लाए कभी। देखिए दोस्तों बस हम, मैं हूँ नेचुरल इंसान, मैं हूँ थोड़ा सांवला, सांवला के काले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। मेरी माँ है गोरी और मेरे पापा हैं काले। लेकिन देखो जिंदगी में कॉम्बिनेशन बोलते ना, कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है। ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट होना जरूरी है। जिंदगी में क्रीम पाउडर लाया नहीं मेरा, लेकिन माता जी ने कभी अपनी जिंदगी में क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाया। देखिए कितनी सुंदर माता जी है, देखिए बिना मेकअप के, बिना मेकअप के हमारा मेकअप थोपा हुआ था, क्या करे यार मेकअप कर ना तान चेहरे खराब हो फिकू हो। तो क्या कहना चाहते हो आज के जो हमारी महिलाएं हैं, जो आजकल की जनरेशन के युवा साथी हैं, जो युवा जो गर्ल्स हैं? पैसा पैसा क्या जो ये है फ्री का उड़ान लिया ही तो हम बबला लिया का उड़ान पैसा नहीं तो हम अस्ताए नहीं करने रखने पैसे बच्चे ना। सादा जीवन उच्च विचार सबसे बढ़िया है, मेरा रूल तो वही है। लेकिन मैं अपनी वाइफ को नहीं बोलता हूँ या किसी और को नहीं बोलता हूँ, भाई अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ यही है कि मैं कभी मेकअप नहीं करता हूँ, ना ही क्रीम लगाता हूँ, ना पाउडर। हाँ एक तेल लगाता हूँ, वो भी कौन सा, सरसों का कच्ची धनी का तेल, जो ओरिजिनल तेल होता है उसको लगाता हूँ बाल में, बस और कुछ नहीं लगाता हूँ। और माता जी आप क्या लगाती हो? मैं कभी ना क्रीम लाए ना पाउडर लाए, अच्छा पहले अपना जो पुराना रीति रिवाज है लाल पीला तो घिसनी भी करना है बेकार। हम पुराना हमारी माता जी है पुराने ख्यालों की, मतलब पुराने जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो पुरानी परंपरा थी हमारी पहाड़ों की, उस लेवल पे चलते हैं तो अच्छी बात है। और आजकल जो हमारे युवा साथी है वो नई जनरेशन है, जो कि ये नई जनरेशन है, मैं भी नई जनरेशन हूँ लेकिन मैं पुराने ख्यालों का हूँ। अरे सही लगता है यार, बहुत पुराने ख्यालों का इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि मुझे अपने जो पूर्वज हैं उनकी जो बनाई गई जो परंपरा है, संस्कृति है, वो बहुत प्यारी लगती है। और जो पुराने लोग थे हमारे उत्तराखंड के, वो सिंपल रहते थे, मतलब कोई दिखावटी लाइफ नहीं रहते थे। बोलते हैं ना हनी सिंह, यो हनी सिंह, अब ऐसा कर दिया, किसी ने कान में छेद कर दिया, किसी ने यहाँ गले में कोई लॉकेट डाल दिया बड़ा सा, होता है ना जो छपरी लोग बोलते हैं, छपरी लोग। तो भाई ऐसा कुछ भी आई डोंट लाइक, ओके। सो छपरी नहीं बनना, अपने को सीधे सिंपल बनना है, सिंपल रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। दोस्तों आजकल की जो जनरेशन है आप देख सकते हैं किस लेवल पर चले गई है, कि हस्बैंड जी को सर पे कट्टा उठाना पड़ रहा है। और ये स्पेशली क्या है, ये झंगोरा, और आज मैं खाऊंगा झंगोरे की खीर। खीर झंगोरे की खीर खाने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए खाऊंगा, इसलिए मैं ना तो बीबी पे डिपेंड रहता हूँ, ना किसी पे रहता हूँ। सही है, अपना माल खुद ले जाओ, किसी के भरोसे क्या रहना जिंदगी में। दोस्तों अभी मैंने कट्टा रख दिया है भाई स्कूटी में, और अभी हम चलेंगे अपने पहाड़ी रास्ते से। भाई बहुत ही मस्त रास्ता है हमारा, और इस पर जो है हर किसी की बस की बात नहीं गाड़ी चलाना है ना। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर सड़क में,
और वन हैंड से ये गाड़ी चलाई जा रही है। और भाई साहब है आगे खड़े, भाई साहब को नमस्ते, कैसे हो अभी? बस सब बढ़िया बना। अभी क्या लगा रहे हो अभी? अभी यहाँ पे गाड़ी जो है थोड़ा घास फूस हो जाएगा पशु के लिए। अच्छा अच्छा, तो इसलिए थोड़ा घास। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अभी जो है काम चल रहा है थोड़ा। हाँ। और अभी चलेंगे हम ऊपर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, और यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये पहाड़ी रास्तों पे गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है। ये रास्ते हैं बहुत ख़तरनाक, यहाँ पे थोड़ा आधा कच्चा भी है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ पे रास्ता बनाया ही नहीं हमारे घर का। मुख्यमंत्री जी हो चाहे कोई विधायक जी हो चाहे कोई भी हो, गांव के रास्ते तो ठीक है लेकिन मेरे घर का रास्ता ऐसा कर रखा है। अब भगवान ही मालिक है भाई, लेकिन रोड ठीक है। ये देखिए, और सामने है भाई हमारा मार्केट। देखिए कितने प्यारे प्यारे गांव हैं यहाँ पे। अभी हो रहा है इवनिंग, और इवनिंग वॉक पे अभी यहाँ तक मार्केट के लोग आते हैं बहुत बढ़िया से। जैसे कि शहरों में टहलते हैं वैसे यहाँ पे भी टहलना होता है सुबह शाम। और ये कॉलेज है अपने उत्तराखंड के, यहाँ से मैंने बीकॉम कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं यहाँ से देहरादून चले गया था करणपुर में, डीएवी कॉलेज आपने नाम सुना होगा, प्राइवेट से किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके पेपर दिया था और यहाँ से मैंने फिर क्वालिफाई करके फिर मैं कोचिंग करने के लिए जो है देहरादून के करणपुर में चले गया था, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बहुत सारे, और बहुत सारी मैंने वहाँ पे तैयारी की थी। उसके बाद बहुत सारी लंबी कहानी है मेरी। उसके बाद आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये मेरी जन्मभूमि है जहाँ से कि मैंने पूरा मेरा बचपन गुजरा है। और साथ साथ में मैंने यहाँ पे अपनी मतलब नर्सरी से और 12th तक की और पूरा ग्रेजुएशन मैंने यहीं से कम्प्लीट किया है। भाई तो, एक बात बता आपको, डेली एक बाल्टी कपड़े होते धोने के लिए, मैं थक गई हूँ कसम से यार। देख रहे हो शकल, सूरत देख रहे हो आप, कितनी मतलब बहुत ही बोरिंग हो रखी है। ऐसी ही हमारी जिंदगी भी बोरिंग है, क्या करें भाई। जिंदगी बोरिंग नहीं, हर इंसान का काम होता है, आपका काम है घर का काम। और मैं अभी आपको दोस्तों काम दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए क्या है ये, ज़रा कमेंट करके बताओ ये क्या है। और अभी जो है मैं पहाड़ों में थोड़ा जो है कभी कभी मिस्त्री नहीं मिलते हैं, पानी के फिल्टर होते हैं जो फिल्टर, तो फिल्टर नहीं मिलते हैं तो खुद ही भाई साहब यहाँ मिस्त्री बनना पड़ता है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप, ये पानी की लाइन है और यहाँ पे जो है जाम हो गया था, तो यहाँ पे मैं जो हूँ डाई से अभी चूड़ी बना रहा हूँ, और प्लस पॉइंट यहाँ पे लगेगा भाई साहब ये, देख रहे हो। तो दोस्तों पहाड़ों में जो है ऐसे काम भी करने पड़ते हैं। देखिए आप कहोगे किस बात की पहाड़ी हो भाई। आप सभी को मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि पहाड़ों में सबसे ऊंचे क्षेत्र में होता है ये, और इसकी खुशबू जो है ना, इसका जो धुपाना होता है, धुपाना मीन्स जैसे हम आरती करते हैं भगवान की, तो उस टाइम जो है दियाबाती करते हैं, तो उस टाइम में किसी देवी देवता को उत्तराखंड के, ये एक पत्ता है देख रहे हो, और इसको जो है जो कोयले होते हैं उसके ऊपर इसको डाल के इसमें थोड़ा सा घी डाला जाता है, उसके बाद जो इसकी जो सुगंध आती है ना धुएं से, लाजवाबदार बेहतरीन, आप जो है स्मेल अगर लोगे ना अपने अंदर तो आप बोलोगे कि क्या है भाई साहब, परफ्यूम भी फेल करता है ये चीज़। और इसका नाम क्या है, ये हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को धुपाना देते समय चढ़ाया जाता है ये, और ये सबसे ऊँचे वाले क्षेत्र में मिलता है ये, जहाँ पे कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है।